आज बनाते हैं परवल अथवा पटोल की समर स्पेशल रेसिपी। बहुत ही सूदिंग रेसिपी है। परवलों को स्क्रेप कर लीजिए, फिर अच्छे से पानी में धो लीजिए। थोड़ा सा घी लेंगे, घी में जीरे का तड़का देंगे, अच्छे से तड़का आ जाए, फिर दो तीन काली मिर्च डाल देंगे। इतना तीखा पर्याप्त है। अब हम प्याज डालेंगे, प्याज को अच्छे से भून लेंगे। प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन जैसा हो जाए तब तक भूनेंगे। इसके बाद इसमें कटे हुए आलू और परवल डालेंगे। परवल में जो पके हुए बीज हैं आप उन्हें निकाल दें, कई बार वो दांतों में फंस जाते हैं। ऊपर से थोड़ा सा सेंधा नमक डाला है, अच्छे से मिक्स किया है। अब थोड़े से मसाले डालेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी पिसी धनिया डाली है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, ये घर का बनाया हुआ गरम मसाला है, और इसमें मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इन सभी सब्जियों को टेंडर होने तक कुक करेंगे। एकदम गलाना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टेंडर होना चाहिए। ऊपर से हल्दी डाल दी है। ढक करके पकाएंगे। करीब 5 से 6 मिनट मैंने इसे पकाया है, और अब इसमें हम कोकोनट मिल्क ऐड करेंगे। कच्ची गरी या कोकोनट को निकालने के बाद आप उसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए, और थोड़ा पानी डाल करके उसे अच्छे से छान लें। इस तरह से आपका कोकोनट मिल्क रेडी हो जाता है। अब हम कोकोनट मिल्क को इसमें डाल देंगे और खूब अच्छी तरह हिलाते हुए हम इसे पका लेंगे। अच्छे से हिलाते हुए मिलाते हुए इस करी को पकाते रहेंगे। जब इसमें उबाल आने लग जाए तब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। मैंने करीब 2 से 3 विसल्स लिए हैं यहाँ पर, क्योंकि सब्जी अच्छे से कुक हो जाएगी। प्रेशर के रिलीज होने का इंतज़ार करेंगे और खोल के देखते हैं। वाह, क्या बढ़िया सब्जी बन करके तैयार है। एक बार चेक कर लेंगे कि आलू और परवल अच्छी तरह से कुक हो गए हों। आप चाहें तो इन आलूओं को अच्छे से इसमें मथ सकते हैं, ताकि आपकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। अब इसमें मैंने धनिया डाला है और साथ में ही कटा हुआ पुदीना भी डाल दिया है। दोनों की तासीर ठंडी होती है। आप इस सब्जी को चावल के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट थी और बहुत सूदिंग थी। आप भी इसे बनाइए, खाइए, और हमें बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी।